हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 7:15 अभी बज रहे हैं और मैंने जस्ट अभी अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। मम्मी पापा गए हैं थोड़ा मार्केट तक, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप मेरे लिए ही करवा ले आइएगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं करी, कोई तैयारी ही नहीं करी करवा चौथ के लिए, और बाहर भी नहीं जा पाऊँगी। पता नहीं मेहंदी भी लगा पाऊँगी कि नहीं लगा पाऊँगी। सो यही है, मम्मी को बोला है मैंने, देखो वो लेके आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब परेशान हो रही है, फील कर रहे हो, है ना? हाँ, घूमने जाना है इनको। आ जाओ, ये देखो। आप पहले हंसो, चो 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 ईरू। आप लेके आइए अपनी कॉपी पीयू जी। देखो सब लोग देख रहे हैं, पीयू कितनी अच्छी बच्ची है, गुड गर्ल। अभी अपनी कॉपी लेके आएगी रिविजन के लिए। चलो चलो बाबू, कंप्यूटर का पेपर है बेटा, बस मैथ्स के बाद पेपर खत्म। मैथ्स के बाद छुट्टी। हाँ चलो फटाफट, ठीक तो। है फिर लेके आओ आईटी वाली बुक, ले आओ, एक बार रिवीजन कर लेंगे, बस हो गया। देखो हाँ, फिर कर सकती हो फ्री होके। तो मम्मी पापा आ चुके हैं और करवा आज नहीं मिला है, एक्चुअली कुछ और काम से गए थे तो करवा नहीं लेके आए हैं। देखो शायद कल जाएंगी तो आ जाएगा, और अभी ईरू रो रही है तो वो पापा जी उसको बाहर लेकर के गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अभी नेक्स्ट डे हो गया है, कल का व्लॉग मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया था, कुछ भी ऐसा रिकॉर्डिंग करने को कुछ था नहीं, और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया है। और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, 4:35 है एक्चुअली, और अभी मैंने वाटरमेलन खाया है। वाटरमेलन वर्मा जी लेकर के आए थे तो मैंने कट किया, पीहू को दिया, मम्मी पापा ने चाय पी लिया है, वो चाय पी के गए हैं मार्केट फिर से। कल एक्चुअली वो करवा वगैरह नहीं ला पाए थे, कुछ और ही उनका कुछ काम था तो वो पूरा करके वो आ गए थे, और अभी गई हैं मम्मी पापा दोनों लोग। तो कैलेंडर, मेहंदी भी नहीं लगी है मेरे, और पता नहीं मैं क्या लगाऊंगी। कल है करवा चौथ, और मैं मतलब जब ये व्लॉग आप देख रहे हैं उसी दिन है करवा चौथ, तो आप सबको करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं, और सबको बहुत अच्छा अच्छा दिन बीते, और आप सब लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें। मेरी ईरू सोच रही है मैं उससे बातें कर रही हूँ तो वो खुश हो रही है, वो लेटी है कैरी कॉट पर। और मैं अभी तक मैंने अपनी साड़ी ज्वेलरी कुछ भी नहीं निकाला है, तो मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करती जाती हूँ, और थोड़ा सा निकाल के अलग भी रख लेती हूँ तो एक आइडिया मिल जाता है ना कि ये पहनना है, सुबह से क्या पहनना है, अभी कैसे क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है मुझे, मैं क्या करूँगी। देखती हूँ अभी, अलमारी खोलती हूँ, निकालती हूँ, और थोड़ी देर में फिर चाय पीऊँगी। मम्मी पापा तो अभी गए हैं चाय पी के, मैंने अभी चाय नहीं पी है, मैंने वाटरमेलन खाया ना, मैंने बताया आपको। चलो फ़ोन लगा देते हैं ट्राईपॉड पे, ईरू चुपचाप लेटी है, और आजकल पीहू अपनी यूनिफॉर्म लाके इधर ही टांग देती है, सो अभी मैं इसको इधर रख देती हूँ एंड ओपन करते हैं अपनी अलमीरा और देखते हैं। आज मैंने ना फिर से नाइटी पहनी है, मैंने बीच में नाइटी पहनना अभी छोड़ दिया है, मैं यही लोअर टी शर्ट वगैरह ही पहनने लगी हूँ, अपने पहले वाले ड्रेसिंग जो मैं ड्रेस पहनती थी वैसे मैं पहनने लगी हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको, इस बार लास्ट टाइम मैंने साड़ी पहनी थी वो मैंने मंगाया था, तो अभी इस बार मैंने साड़ी मंगाई नहीं है। मेरी अलमारी भी पूरी भरी हुई है, एकदम मैसी हो गई है। ईरू के कपड़े अभी सब मेरे ही अलमारी में रखते हैं, पूरा कबर्ड ऐसे ही भरा हुआ है। अगर मैं आपको कबर्ड का वो दिखाऊंगी ना तो एकदम पूरा भरा ही भरा हुआ है। खैर कोई बात नहीं। और हाँ, मम्मी का पायरा जो है वो मैंने मंगवा लिया था, ये इसमें है, दिखाऊंगी मैं आपको क्या चीज़ है। ये तो है पायरा, इधर रखती हूँ, और साड़ी दिखाती हूँ अभी। लास्ट मैंने रेड साड़ी पहनी थी, रेड साड़ी मंगाई थी नई, चुंदरी है, चुंदरी तो मैं वही वाली पहनूंगी, ये सदा सौभाग्यवती वाला जो लास्ट हुआ था वही। और इसकी ज्वेलरी वगैरह भी देखती हूँ, साड़ी पहनूंगी दिखा देती हूँ पर ओपन नहीं करूंगी, ठीक है। ये मेरी साड़ी है जो कि मैं एक बार पहनने वाली हूँ, इसी की ज्वेलरी वगैरह सब सेट कर लूंगी। और चुंदरी डाल लो ना रेड कलर की तो वो अच्छा लगता ही है, मतलब रेड लगता ही है,
और इसके साथ मैं पहनूंगी चूड़ा जो मैंने नया वाला मंगाया था। लास्ट करवा चौथ में मैंने चूड़ा बनवाया था और इस बार तो ये वाला ही चूड़ा पहनने वाली हूँ। ये वाला मेहंदी लगाऊंगी रात में, थोड़ा सा सोच रही हूँ बस चांद वाला मेहंदी जो है वो एटलीस्ट लगा लूंगी, क्योंकि इरू उठेगी, पॉटी करेगी, वैसे डाइपर पहना दूंगी इसको रात में, बट फिर भी अभी इसको अलग ही रख लेती हूँ। ज्वेलरी एक्चुअली मैच करना है कि क्या पहनी। तैयारी का तो मैंने निकाल लिया है, बट अब सुबह से क्या पहनेंगे जब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, कहानी वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी मेरे को देखना पड़ेगा। नया तो मैंने एक्चुअली सूट मंगाया नहीं है, तो देखती हूँ मैं, निकालती हूँ कोई अपने सूट जो है। ओके, तो अब की रेड से हटके कुछ करते हैं। शाम को तो मैं पिंक कलर की साड़ी, पिंक प्याजी पिंक जो नहीं होता है वैसा पहनने वाली हूँ। एंड मॉर्निंग में मैं ये ब्लू कलर का सूट पहन लूँगी, एक बार पहना हुआ है जब इसके पहले जो कल गई थी हम लोग, कल ब्लॉग आपने देखा था कि हम लोग गए थे बाबुलनाथ, उसके पहले एक बार हम लोग बाबुलनाथ गए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मैंने वो सूट पहना था। तब से ये सूट एज इट इज़ रखा हुआ है, तो साफ नया ही है। रेड चुन्नी डाल लूँगी, ये वाला सूट मैं सुबह से पहन लूँगी, और कम्फर्टेबल भी होना चाहिए ना, इरू को फीड वगैरह कराना पड़ता है इसीलिए, तो ये ठीक है। चलो हो गई है सारी, ऑलमोस्ट सारी तैयारी, मैंने कपड़ों भी तो कर लिए, अब बस करवा आ जाएगा, करवा चौथ का वो कैलेंडर आ जाएगा, एंड अगर मेहंदी का लगाने का समय मिला तो मेहंदी लगा लूँगी। दैट्स इट, इतना ही है। और वो नोज रिंग तो मैंने आपको छोटी सी दिखाई है, वो मैं मंगा के लेके आई हूँ, वही पहनूंगी। अब की बार का थोड़ा सा लुक जो है वो मैं चेंज करूँगी, हर बार थोड़ा सा एकदम ट्रेडिशनल अभी भी रहेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। हाँ क्या हुआ, बस हो गया, आयरू का कैरी कॉर्ड का काम पूरा, अभी उसको वापस ले लो, लेकिन ये काम करके दे दिया इसने मुझे, फटाफट मैंने निकाला, अभी इसे गोदी में लूंगी। आ जाओ आ जाओ आज आज मेरा बेटा, ये मेरा ईडू गुड्डा, ये मेरा ईडू गुड्डा है। हेलो ईडू गुड्डा, हेलो, कैप लगाया है मैंने। ओ छोना है छोना, बाद में देखा सामने थी दुकान बिल्कुल इसके गेट के। बेटू पालक पनीर बनाती है, तुम बहुत अच्छा बनाती हो, वो कैसे बनाती हो बताता क्या? येलो वाली नमकीन। ओके देते हैं वो कैलेंडर ना, ये है। हाँ हाँ दोनों कैलेंडर है। ठीक है, तो मम्मी मार्केट से आ गई हैं और यहाँ पे करवा और कैलेंडर मेहंदी सब कुछ लेकर के मम्मी आई हैं, और आज बोल रही थी कि चलो पालक पनीर बनाते हैं, तुम जैसे बनाती हो मेरे को बताती जाओ। तो बस वही यहाँ पे मम्मी ने पालक वॉश कर लिया है, एंड मैं अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी भी बना रही हूँ मूँग के दाल की, मेरा मन हो रहा था पतली पतली खिचड़ी खाने का, सो इसीलिए। और यहाँ पे बस प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब कुछ कट करके मैं सब कुछ एक साथ पहले बॉईल कर लेती हूँ उसमें कढ़ाई में, थोड़ा सा ब्लांच कर लेती हूँ पालक को, उसके बाद जब थोड़ा वो ठंडा हो जाता है देन मैं उसको पीसती हूँ, और फिर उसका छौंक करके थोड़ा सा ऑयल डाल करके फिर उसको मैं फिर ये ग्रेवी जो बनती है ना पिसी हुई प्यूरी जो रहती है उसको फिर बाद में भूनती हूँ, लेकिन मैं वो सब नहीं कर पाई, बस इतना ही मम्मी को बता पाई थी क्योंकि ईरू रो रही थी। फिर मम्मी ने बोला तुम जाओ उसको गोद में ले लो, और फिर मम्मी ने अपने आप से ही पालक पनीर बना ली थी। यहाँ पे मैं जो है अभी तो छौंक दे रही हूँ खिचड़ी, जब खाना होगा तो बस सीटी लगा देंगे। तो मम्मी को मैं यहाँ बताती भी जा रही हूँ बस पालक पनीर की वही रेसिपी जो थोड़ा बहुत करना है, वैसे मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं, पहले ही बहुत अच्छा टेस्टी खाना वो बनाती हैं,
सो बनाया फिर मम्मी ने ही था। और बस यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ अपनी खिचड़ी छौंकने में। मैंने सोचा था मैं आज सिर्फ खिचड़ी ही खाऊँगी, एक रोटी खाऊँगी, लेकिन कल करवा चौथ है ना, तो मेरे को भूख बहुत लगती है आजकल। तो फिर मैंने तो 2-3 रोटी आराम से सब्जी से खाया, पहले पालक पनीर से और फिर खिचड़ी भी खाई पेट भर के। नेक्स्ट डे फिर सुबह कुछ नहीं खाना था ना, 12 घपूरा मतलब फीड भी कराना होता है इसीलिए, तो मैंने फिर आराम से रोटी सब्जी और खिचड़ी सब कुछ साथ में ही खा लिया था। तो मैं यहाँ पे अपनी खिचड़ी छौंक रही हूँ। और लास्ट ईयर जब मैं ये सब काम अपनी तैयारी कर रही थी तो मैं बिल्कुल अकेली थी, मतलब कोई नहीं था। और अभी हमारी लाइफ में ईरू आ गई है, साथ में मम्मी पापा भी हैं, तो बहुत कुछ चेंज हो गया है एंड बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं। बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो आने वाली हैं आगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो ईरू तो जग गई थी, रोने लगी, फिर मैं उतना ही बस करवा के चली गई थी। यहाँ पे मम्मी ने पालक पनीर जो है वो बना लिया था, फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया। तो मेरा डिनर जो है वो हो गया है। आज पालक पनीर की सब्जी बनी थी, मैंने थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाई थी अपने लिए और रोटी खाई, खिचड़ी खाई। मैंने सोचा था मैंने एक रोटी खाऊंगी बट भूख लग रही थी तो मैंने 2-3 रोटियाँ खा ली। और अब चलते हैं, चलिए मेहंदी लगाते हैं। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा तो शगुन करी मैं मम्मी के लगाती हूँ। पहले ईरू को डाइपर पहनाया है, 9 बजने वाले हैं, जिससे ये छू छू करेगी तो बार बार मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। और फिर सोने से पहले इसको चेंज करके दूसरा डाइपर लगा देंगे जब तक मेहंदी हमारी सूख जाएगी। चलें पियू लगा दें मम्मी की मेहंदी एक हाथ में, फिर एक में मैं भी लगा लूँगी। पिटू आ जाओ बेटू, आ जाओ, आ जाओ बेटू, आ ईरू रोने लगी है। पहले इसको थोड़ा एक बार फीड कराते हैं, देखते हैं। तो मम्मी के एक हाथ में ही मेहंदी मैं लगा पाई थी कि ईरू रोने लगी थी। और यहाँ पे देखिए मम्मी उसको हिला रही हैं बेड पे लिटा करके, और मैं भी अपने एक हाथ पे लगा ले रही हूँ। बस फटाफट से थोड़ी सी डिज़ाइन बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगा पाऊँगी। और यहाँ पीहू जो है वो मेरा वीडियो बना रही थी, मैंने उसको मोबाइल दे दिया था, कौन ट्राईपॉड पे लगाता, कौन ऐसे करता। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से ऐसे ही थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो बना लिया है। तो आज पता नहीं ईरू को क्या हो गया था, ऐसे तो वो सो जाती है, और अभी देखो मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन लगाई है और वो फिर से जग गई है और मेरी गोद पे लेटी हुई है। बस इतना ही एक हाथ में लगाऊंगी अब। ओके गाइस, अभी 10:30 बज रहे हैं और ईरू अब सोई है, उसको बहुत देर से मैं सुला रही हूँ, बार बार वो जाग जा रही है। और मैंने ना हाथ की मेहंदी छुड़ा दी है क्योंकि इसको सुलाना पड़ रहा था। और मम्मी कह रही है इस हाथ पे भी लगा लो, मैंने मम्मी के एक थोड़ा सा बेल बना दिया दूसरे हाथ पे भी, और वो बोल रही हैं इसमें भी लगा लो। तो मैं सोच रही हूँ कि वर्मा जी से ही अपना और इनका नाम लिखवा लेती हूँ, मेहंदी हो जाएगी क्योंकि जल्दी सूख भी जाएगी ना, और फिर ये उड़ भी जाएगी। अभी मैंने दूध नहीं पिया है, सोने से पहले दूध पीऊँगी, 11 बजे तक पी लूँगी। अभी तो जाग रही हूँ, पानी पी लेती हूँ ज़्यादा सा क्योंकि कल फिर प्यास लगेगी और भूख भी लगेगी। तो यही है, लाइट ऑफ कर देती हूँ, ये सो रही है इधर। तो मैंने भी ऐसे ही लिखा दिया इसको,
मुझे इसका डाइपर चेंज करना है, मेहंदी लगाने इस टाइम मैंने डाइपर पहना दिया था, चेंज नहीं किया है अभी। पियो क्या कर रही हो? डैडी से दूध ले रही हो? मेरा इस हाथ में मेहंदी लगा दीजिए, नाम लिख दीजिए बस, मेरा और अपना एक नाम लिख दीजिए कर्सिव राइटिंग में। अरे कर्सिव पीहू, दूध बहुत गर्म हो जाएगा। अरे रुको पहले आप। तो बस ये एंड में मैंने वर्मा जी से ही अपने हाथ में उनका नाम और अपना नाम की मेहंदी लगवा ली थी, और फिर तो उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं किया था और मेहंदी क्या बनाती कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यही एक आइडिया मुझे नज़र आया कि ये फटाफट से लग जाएगी और सूख जाएगी। तो बस यहाँ पे चलिए ब्लॉग एंड करती हूँ, कल का ब्लॉग ज़रूर देखिए, कल आएगा करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। मेहंदी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।